72,000 वाला ये एचपी विक्टस लेनोवो लॉक से 15-20 नहीं 30% फास्ट है। शौक लगा? अब ये इसलिए है कि तुम रिव्यू तो देखते हो बट स्किप कर कर देखते हो या फिर ऊपर ऊपर से देख लेते हो। और मजे की बात बताऊं, लॉक इससे 6,000 अभी भी महंगा है। तो रेडी हो जाओ, आराम से देखो और जानो कि क्यों ये HP Victus is one of the best gaming laptop जो तुम्हें इस price point में मिल सकता है। तब देखो, जैसे ही तुम खोलोगे तो सामने ही तुम्हें मिलेगा तुम्हारा प्यारा laptop। एक basic सी केबल है, तुम्हारा adapter। ये सेम ओमन वाला अडाप्टर है जो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है विद गोल्ड पिन, नो टाइप सी। 200 वाट का अडाप्टर है जो कि ठीक है, डिसेंट है, परफॉर्मेंस ठीक दे देगा। बाकी एक छोटी सी मैनुअल है जो कि तुम्हें देखने को मिल जाएगी इजीली, और तुम्हारा प्यारा लैपटॉप पतली सी पॉलिथिन में तुम्हें मिल जाएगा। तो अब इसमें क्या धमाल आएगा वो बताता हूं। इंटेल i5 12500H विथ 16GB की DDR4 रैम। ठीक है, सुनने में लगेगा कि यार DDR5 देनी चाहिए थी, बट Cinebench R23 के सिंगल कोर में 1661 है और मल्टी कोर में 11515 है। 11515, इससे कुछ पता नहीं चलेगा तुम्हें। अगर मैं लॉक के Cinebench से कंपेयर करूं तो वहां पे स्कोर है उसका 8853, यानी कि ये वाला 30% फास्ट है as promised। अब PC Mark 10 में इसका स्कोर है 6268 और i5 12450H में आता है 5661। अगेन लगभग PC Mark 10 में भी 10% की इंप्रूवमेंट है, और प्राइस में तुम्हें बता ही चुका हूँ ये वाला काफी सस्ता है। अब इसमें तुम्हारी 512GB की SSD आती है, उसकी स्पीड बहुत फाड़ है। रीड है 6000 Mbps+ और राइट है 4000 Mbps+। अब यही चीज तो बाकी रिव्यूज में देखना, सबकी रीड और राइट स्पीड ना 4000, 2000, 3000 तक जा रही है। 6 तक जाने वाली बहुत ही कम कंपनीज है जो 6+ लेके जाएगी। अब अगर इस लैपटॉप को तुम देखोगे तो इशू नंबर 1 तुम्हें साफ दिख जाएगा। भाई लैपटॉप बहुत ही फिंगरप्रिंट है, जहाँ छुओ वहाँ फिंगरप्रिंट लग जाते हैं, ये एक दिक्कत। उसके बाद ये क्या है HP, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई ये क्या दिया है, क्यों दिया है ये, मतलब तुम हाथ में पकड़ोगे ना यहाँ गैप आता है। अब इसमें मिट्टी, धूल, कंकड़, पत्थर, धूल पे कुछ भी हो सकता है, बारिश भी हो सकती है यार। तो मतलब लैपटॉप को जब भी लेके चलो तो ऐसे ही लेके चलना, ऐसे करोगे तो ये गैप हमेशा मिलेगा तुम्हें। बट जहाँ तारीफ करनी चाहिए वहाँ करेंगे भाई, ये पीछे की तरफ जो वेंट्स दिए हैं ये बहुत अच्छे वेंट्स हैं, बट सुना प्लास्टिक आगे से पीछे से ऊपर नीचे हर जगह से प्लास्टिक। वैसे बजट कुछ ऐसा है कि प्लास्टिक ही देती है कंपनी, तो कोई ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एक और तारीफ लो, इस लैपटॉप को एक हाथ से खोल सकते हो और एक हाथ से बंद कर सकते हो। अब कमेंट में बहुत लोग बोलते हैं भाई ये कोई फीचर है, बेल है। अगर तुम्हारे हाथ में बुक है, कॉपी है, खाना खा रहे हो और तुम्हें लैपटॉप खोलना पड़ जाए तो हाँ, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर स्पेशली टू मी। और अभी क्लियर कर देता हूँ भाई, इस लैपटॉप में उसी से रिलेटेड इशू भी है। क्या? इस लैपटॉप को तुम 180 डिग्री नहीं खोल सकते हो, तो वो भी एक इशू है। अगेन कमेंट में लोग बोलते हैं भाई वो कोई इशू नहीं, इशू है रात को जब तुम मूवी देखोगे इस लैपटॉप को पेट पे रख के, तो हाँ 180 डिग्री होता है तो देखना थोड़ा आसान हो जाता है, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है तो भाई इशू है। और पर्सनली मुझे ये चीज़ें दिक्कत देती हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी हिंज इज क्वाइट स्टेबल, HP Victus थोड़ा सा बदनाम है हिंज के लिए, एंड ये जो 15 इंच वाला मॉडल है ना इसका हिंज इज वेरी स्टेबल। बाकी इतना पैसा लगा रहे हो तो भाई डिस्प्ले की बात करते हैं। 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल, 144Hz, यानी कि गेम खेलते टाइम जो फील आएगी ना टॉप नॉच है। उसके बाद 250 nits की ब्राइटनेस, यानी कि धूप में ये लैपटॉप दिक्कत दे सकता है, दैट इज फॉर अ फैक्ट। 300 मतलब देनी चाहिए, 250 थोड़ी सी कम हो जाती है, बट अच्छी बात यह है 9 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि अगेन गेम में जो तुम्हारी स्क्रीन अपडेट होगी ना वो बहुत अच्छी से होगी। बट इसी चीज को कंप्लीट करता है इसमें आने वाला कीबोर्ड, पूरा फुल लेंथ कीबोर्ड है और बहुत बड़ा ट्रैकपैड वाइट बैकलाइट कीबोर्ड के साथ ये तुम्हें मिलता है, और यहाँ पर 2 लेवल ऑफ ब्राइटनेस है। मैंने इसको टाइप करा और भाई टाइपिंग इज लाइक क्वाइट नाइस, बढ़िया है, मजेदार है, तुम्हें खूब अच्छी लगेगी। अब देखो अगर तुम ट्रैकपैड को देखोगे तो भाई काफी स्मूथ सा ट्रैकपैड है तुम्हारा, ये थोड़ा सा गंदगी जल्दी पकड़ लेता है बट ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, जेस्चर सही है, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, एनिमेशन जो बेसिक आते हैं वो तुम्हें यहाँ पे सारे जेस्चर मिल जाएंगे, बट इतना सुन भी लिया है तो इशू भी ले लो, फिंगरप्रिंट रीडर इसमें नहीं आता है। वेल इशू नहीं है बट एक फीचर कम है और गेमिंग लैपटॉप में जल्दी से मिलते नहीं हैं। बट अगर तुम अल्ट्रा बुक की तरफ जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें फिंगरप्रिंट रीडर जरूर मिल जाएगा, तो वो चीज़ तुम यहाँ पर खो दोगे, ध्यान रखना।
अब इसके पोर्ट्स में लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हें यहाँ पे एक एसडी कार्ड मिल जाएगा, एक हेडफोन जैक है, 5 GBPS का टाइप 3 पोर्ट, चार्जिंग के लिए गोल पिन बताई थी ना शुरू में मैंने, और राइट में देखोगे तो एक HDMI है, एक टाइप सी अगेन 5 GBPS का LAN पोर्ट और टाइप सी सेम 5 GBPS वाली। अब यहाँ पर तुम्हें थंडरबोल्ट 4 नहीं दे रहे हैं, मिस कर दिया, और USB 4 भी नहीं दे रहे हैं, वो भी देना मिस कर दिया, मतलब एक हाई स्पीड पोर्ट इसमें मिसिंग है, USB 3.2 Gen 2 वो भी मिसिंग है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो मैं तुम्हें इसके वाईफाई की बात बताऊँ, तो देखो वाईफाई की स्पीड इज टॉप नॉच, तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो भाई 200 Mbps इजीली क्रॉस कर रहा है, और अगर मैं अपलोड पे जाऊँ तो वो भी तुम्हारा 200+ इजीली क्रॉस कर जाएगा। अब इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक तुम्हें नीड होगी, बट साथ ही में ब्लूटूथ 5.1 मिलता है, तो वो भी एक काफ़ी ठीक ठीक बात है। और भूलना मत, इस लैपटॉप में वेबकैम में फुल HD नहीं HD कैमरा है, तो अगर तुम ठीक से देख पा रहे हो तो कुछ ऐसी साउंड और वीडियो क्वालिटी तुम्हें इससे देखने में मिलेगी। ये बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही सही एक्सपीरियंस है। कलर टेक्सचर तुम बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, काफी वेल लिट है और कहीं पर भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। और तो ये फुल HD नहीं HD है, बट काम फुल HD वाला समझ लो तुम। फिर एक लौती चीज जो गेमिंग लैपटॉप में देखने से भी नहीं मिलती, MS ऑफिस इसमें बाय डिफॉल्ट लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है, और इसमें साथ ही में तुम्हें ओमन हब यानी कि जो HP ओमन का प्रीमियम ब्रांड है ना, उसका सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट मिलता है, एंड उसको ऑन करने के लिए कुछ नहीं करना, ये ओमन की डेडिकेटेड की है, इसको जैसे ही तुम प्रेस करोगे तुम्हारा ओमन हब यहाँ पे चालू हो जाएगा। बाकी यहाँ पे तुम अपने CPU को, GPU को, RAM को और इसके साथ साथ अपने सारे प्रोफाइल्स को भी तुम यहीं से मैनेज कर सकते हो। अगर तुम्हें परफॉर्मेंस कंट्रोल करनी है तो वो भी तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, और अगर तुम्हें नेटवर्क बूस्ट करना है अपना तो भाई उसका भी सारा सामान यहाँ पर है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें जो भी करना हो सब कुछ तुम्हें यहीं पर मिलेगा। अब लैपटॉप के सॉफ्टवेयर तुम्हें समझ में आ गई हो तो देखो अपग्रेडेबिलिटी बताता हूँ। ये सुंदर सा लैपटॉप 64 GB की RAM अपग्रेडेबिलिटी के साथ आता है, और अगर तुम लेने का सोच रहे हो तो वारंटी भी 1 साल की बढ़िया वाली है, एंड तुम्हें पता ही है भाई HP का भरोसा, कोई दिक्कत नहीं है, जगह जगह इनके सर्विस सेंटर है, अनलाइक MSI, बाकी समझदार हो तुम। तो हमारा पहला गेम है GTA 5, 2013 का ये गेम है, एंड इसको मैं 1920x1080p के रेजोल्यूशन पे चलाया है, V-Sync ऑफ रखा है और सेटिंग्स वेरी हाई रखी है जो कि डिफॉल्ट ही आती है इसमें। अब अगर तुम हवाई जहाज पे गौर करोगे तो भाई 100 FPS, 100 and 120, 130, 140 तक ये चला जाता है, जो कि काफी अंडरस्टैंडिंग है, बट बीच बीच में ड्रॉप भी हो जाता है, ठीक है। अब तुम्हें देखना केवल इसमें ये है कि भाई टेम्परेचर कैसा जा रहा है, तो हाँ टेम्परेचर 90-92 तक जा रहा है, जो कि एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात है, बट अगर 95 तक जा रहा है तो ऐसा नहीं है लैपटॉप खराब हो जाएगा, बट आइडियल टेम्परेचर नहीं है वो। यहाँ पे मैं बोलूंगा थर्मल्स उतने अच्छे नहीं है या उतने वाओ नहीं है जितना वेंट्स को मदद करनी चाहिए थी, बट हो सकता है कि केवल इसी गेम का सीन हो। फिर लास्ट गेम है RDR2, जिसको अगेन सेम 1920x1080p के रेजोल्यूशन पे चलाया है और अल्ट्रा सेटिंग्स में चलाया है, और सेटिंग्स यहाँ पे मीडियम रखी है हम लोगों ने, तो यहाँ पर देखो 60-70 FPS तुम्हें आराम से देखने को मिल जाएंगी। टेम्परेचर भी अगेन फिर से उसी रेंज में ऑसिलेट कर रहा है जो कि 85 से लेके 95 के बीच में, कभी कम कभी ज्यादा, ऑन एन एवरेज ही टेम्परेचर तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ध्यान रखना टेम्परेचर थोड़ा दिल्ली वाला है तो थोड़ी सी गर्मी यहाँ पे ज़्यादा रहती है कंपैरेटिवली, बट कंसिडरिंग विक्टस एक गेमिंग लैपटॉप है तो आई से हल्का सा डिसअपॉइंटिंग मेरे को ये टेम्परेचर के मामले में इस गेम में भी लग रहा है। और देखो इसको तुम हल्का तो नहीं बोल सकते, 2.3 kg का वेट है, तो हाँ टूवर्ड्स हैवियर साइड, और अब इसमें 70 Wh की बैटरी है, यूजुअली एसर वेसर में देखोगे ना 40-45-50-55 तक देते हैं, इसकी बैटरी इतनी बढ़िया है कि भाई लगभग 6-7 घंटे का बैकअप दे देती है, और एसर वेसर से कंपेयर करोगे ना 2-3 मैक्स, अगर लक अच्छा हुआ तो 4 घंटा मिल जाएगा। इसकी बैटरी इज वेरी गुड एंड प्राइस वाइज और गेमिंग के हिसाब से इज वेरी 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 गुड। बाकी चेरी ऑन टॉप पता है क्या है भाई, इसमें तुम्हारे पास फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। अब इसके स्पीकर काफ़ी डिसेंट है, साउंड क्वालिटी थोड़ी सी मफल लगी मुझे हमारे वाली सीरीज में, बट अगर लाउडनेस की बात करूँ तो हाँ वो डिसेंट है, तो इसको तुम ऐसे नॉर्मल डेली ड्राइवर साउंड के लिए यूज कर सकते हो, बट फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस भाई हेडफोन जैक यूज करना, वरना ब्लूटूथ तो है ही। तो अब बात करें हमारे इस HP Victus की, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए क्या करना चाहिए, वेल फ्रैंकली तो प्राइस वाइज बहुत ही बढ़िया है, स्पेक वाइज भी बहुत बढ़िया है, हाँ कुछ इश्यूज है मैंने तुम्हें बताया बेसिक से, और पूरी वीडियो में मैंने कवर कर दिया उनको, बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही फास्ट है, बिल्ड में एवरेज है बट बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा भी है,
तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज लेकर आता है। एंड हाँ, बाकी तुम लोग समझदार हो और खुद एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।